Hello and welcome to Synopsis. I am Krishna. This is lecture for the Hindu and Indian Express in 5 minutes. Dono newspaper hum dekhenge 13th of April 2020 ke liye. Isme ye wale course ka 2020-50-50 ke current affairs related topics shamil hain. In courses ke details aap yahan dekh sakte ho. Sare courses list down hai yahan par e-courses mein. माइक्रोसाइट पहली और इकलौती न्यूज़ है करंट अफेयर्स के नाम पर. तो माइक्रोसाइट क्या होती है? एक तो होती है वेबसाइट. माइक्रोसाइट मतलब माइक्रो वेबसाइट. इसका मतलब क्या हुआ? इट इज़ ब्रांड स्पेसिफिक वेबसाइट या फिर सिंगल वेब पेज हो सकता है. ठीक है, बस सिर्फ एक पेज की वेबसाइट हो सकती है, दो तीन पेज की, बस इससे ज़्यादा नहीं. ये सिर्फ एक इंडिविजुअल प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं, एक इवेंट को या कैंपेन को. कई बार आपने देखा होगा ऐसे बहुत सारी कॉन्फ्रेंस होती हैं, ठीक है, तो उनके लिए एक दो पेज की वेबसाइट बना दी जाती है. तो इसी तरह अब कोविड-19 के बाद केरला इज़ गोइंग टू लॉन्च सम थीम बेस्ड माइक्रोसाइट्स. उसमें से एक कलारी पैट्टू भी है जो कि मार्शल आर्ट फ्रॉम केरला है. ये प्रीलिम्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है कुछ साल पहले. देन बायलेटरल करेंसी स्वैप लाइन. अगर आपको दिख रहा है कि आपकी कंट्री की करेंसी वीक हो रही है तो आप क्या करोगे? किसी दूसरी कंट्री से जाके उससे आप करेंसी को स्वैप कर लोगे, एक्सचेंज कर लोगे. ठीक है, ऐसे द्विपक्षीय मुद्रा स्वैप लाइन या ओनली करेंसी स्वैप भी कहते हैं. बैंक इसको ऐसा नहीं कि कभी भी यूज़ कर सकते हैं, ओवरनाइट या फिर शॉर्ट टर्म लेंडिंग ओनली, बस इतने के लिए ही यूज़ कर सकते हैं. इंडिया ने ऑलरेडी काफ़ी बड़ा करेंसी स्वैप किया हुआ है जापान के साथ में. ये इंपॉर्टेंट क्यों है? जापान सेकेंड लार्जेस्ट डॉलर रिजर्व्स हैं दुनिया में आफ्टर चाइना. तो ये आपको फैक्ट प्रीलिम्स के लिए भी याद रखना है. देन समथिंग इज़ नोन एज मेरू यात्रा फेस्टिवल. ये उड़ीसा में होता है. देन पट्टचित्रा, दीज आर ट्रेडिशनल क्लॉथ बेस्ड स्क्रोल पेंटिंग. स्क्रोल मतलब रोल, बहुत बड़े पट्टी पर आप पेंटिंग बनाते जा रहे हो. यहाँ पर लगातार इनको आप रोल कर सकते हो. उड़ीसा और वेस्ट बंगाल एरिया से होती हैं ये. महापात्रा लोग बनाते हैं. महापात्रा सर एक ऑप्शनल भी पढ़ाया करते हैं. काफ़ी इंट्रिकेट डिटेल होती है. माइथोलॉजिकल नरेटिव होता है. फोक टेल्स भी हो सकते हैं. ये एक एग्जांपल है पट्टचित्रा का इमेज अगर समझनी है तो. देन मेंस इन 300 टॉपिक्स, न्यू लिबरल इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन. क्यों इसकी ऐसी तैसी हुई पड़ी है? तो ये मेंस इन 300 में हम डिटेल में देखेंगे. जस्ट इसके बारे में कुछ आइडिया ले लेते हैं. इसको हम न्यू लिबरलिज्म भी कहते हैं. ठीक है, 19th सेंचुरी में आपने ये देखा होगा लेसेस फेरे आया था. ठीक है, इकोनॉमिक लिबरलिज्म और फ्री मार्केट कैपिटलिज्म की बात करता था जो कि, ठीक है, वो ये कहता था कि मतलब मार्केट शुड बी फ्री. तो ये 20th सेंचुरी में उसका रिसर्जेंस है. उसको हम कहते हैं नियो लिबरलिज्म. इसको हम कहते थे लिबरलिज्म. ठीक, तो इसमें क्या है? इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन की पॉलिसीज़ हैं जैसे प्राइवेटाइजेशन, डीरेगुलेशन, ग्लोबलाइजेशन, फ्री ट्रेड, गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम करो. अब कोविड-19 का इस पर इम्पेक्ट क्या आने वाला है? वायरस से क्या होने वाला है कि सक्सेस ऑफ न्यू लिबरल ग्लोबलाइजेशन कम होगा. हाइपर ग्लोबलाइजेशन हो गया. ग्लोबलाइजेशन वॉज गुड बट अब हाइपर ग्लोबलाइजेशन हो गया. मतलब आप दवाइयाँ भी नहीं बना सकते हो चाइना के बिना. यू कांट डू एनीथिंग. ठीक है, हाइपर ग्लोबलाइजेशन हो गया तो अब उससे रिट्रीट होगा, लोग पीछे हटेंगे. देन न्यू एज रेसिज्म आएगा. डेफिनेटली सोसाइटीज़ मोर सेल्फ सीकिंग और इनवर्ड लुकिंग बन जाएंगे. जैसे माइग्रेशन और रिफ्यूजी को लेकर जो अभी लिबरल पॉलिसीज़ हैं, यूएन के कन्वेंशन है, इनमें हो सकता है कि पुशबैक आने लगे. ठीक, इसके अलावा फाइटोसैनिटरी एंड सैनिटरी मेजर्स, इनमें ज़्यादा स्ट्रिंजेंट इम्पोजिशंस हो सकते हैं. सोर्स ऑफ गुड्स पूछा जा सकता है. इनको लेके काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिंजेंट तरीके से लोग अब वर्कआउट करेंगे. देन सोशल डिस्टेंसिंग, अच्छी बातें कर रहे हैं लेकिन इससे अनडिज़ायरेबल सोशल प्रैक्टिसेस आएंगे. कुछ लोग अपने बर्थ और क्लास के बेस पर मॉरल प्योरिटन होने के दावे करेंगे. अनटचेबिलिटी वर्ल्ड वाइड बढ़ने के चांसेस हैं. तो ये सारी चीज़ें होंगी. इसको मैं इन 300 में डिटेल में देखेंगे. देन देयर इज़ समथिंग नोन एज इन्फोडेमिक, इन्फॉर्मेशन प्लस एपिडेमिक. ठीक है, इन्फॉर्मेशन की महामारी. WHO ने कहा है वी आर नॉट जस्ट फाइटिंग एन एपिडेमिक, वी आर फाइटिंग इन्फोडेमिक. इन्फोडेमिक मतलब होता है सूचना, मतलब जहाँ देखो जहाँ इन्फॉर्मेशन है. ठीक है, देन देर इज़ समथिंग नॉन एज शेडो पेंडेमिक. UN वुमेन ने पहले ही कह चुके हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ रहा है. ठीक है, और नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, इन्होंने भी बहुत सारी डिस्ट्रेस कॉल नोट डाउन किए हैं. सो दैट्स ऑल फॉर द डे. थैंक यू फॉर वॉचिंग. हैव अ गुड डे.